बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा अब वो शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले आपको मैं डॉलर, यार आपको पता है सैटरडे संडे स्टेट बैंक तो क्लोज रहता है वही 287 रुपये के अराउंड में, और आज जो पाकिस्तान में वाक़ पेश आया जी, यानी कि खान साहब को, सबका जो हमारे वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, आपको पता है उनको आज गिरफ़्तार कर लिया गया है। मैं इसके मुतलक एक वीडियो पहले लगा चुका हूँ, 3 साल की कैद जी और साथ में 1,00,000 रुपए का जुर्माना किया गया है, 5 साल के लिए शायद नाअहल भी कर दिया गया है। तो बहरहाल एक मैं बोलता हूँ कि कुछ बंदों के लिए अफसोसनाक खबर है और कुछ के लिए भाई तो खुशी की, कुछ तो मिठाई बांट रहे हैं। लेकिन बात मैं करूँगा जी एक, वो ये जी कि मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान खुदारा पाकिस्तान का एहसास कीजिए, बस मैं यही बोलूँगा। क्योंकि जब हम सऊदीया में गए थे, चलो एक मेरी बात ये भी आप सुनते जाएँ भाई, जब मैं सऊदीया में गया था, ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 8-10 साल पुरानी बात है, तो फर्स्ट टाइम जब गया था उस टाइम इंडियन रुपए और हमारा रुपया दोनों में डिफरेंट इतना होता था कि मिसाल के तौर पर उस टाइम इंडियन रुपए का 12 रुपए रेट था और हमारा 25 रुपए था, यानी कि 1 रुपए इंडियन पाकिस्तानी के 2 रुपए बनते थे। अभी आप देख रहे हैं इंडियन रुपए की, अभी भी रियाल के हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं, कि 22 रुपए बनते एक रियाल के, और एक रियाल के पाकिस्तानी इस वक्त अगर आप वहाँ से भी भेजेंगे, मैं आपको रेट बता देता हूँ, 75-76 और पाकिस्तान में 77-78 के करीब है, 3-4 गुना डिफरेंट है भाई। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम करे बस, क्योंकि तमाम परदेशियों को भाई एक दिन घर ही आना होता है। तो बहरहाल जी, अगर रियाल रेट के मतलब बात करें आपको मैं एक्सचेंज रेट सॉरी आज का आप बता दूँ, पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से आज 76 रुपये 36 पैसे रहा, इंडिया 22 रुपये, बांग्लादेशी टका 29 टके अराउंड में। और मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से आपको बता देता हूँ, इनमें सबसे पहले वेस्टर्न यूनियन की बात करेंगे भाई, वेस्टर्न यूनियन का आज का रेट 75 रुपये 74 पैसे हाई रेट होता है वेस्टर्न यूनियन का, और इनकी 10-17-23 और कुछ मामलात में ये 30 रियाल फीस भी काट लेते हैं, ये भी आपको वाजह कर दूँ मैं। बहरहाल जब भी आप इनसे पैसे भेजने जाएँ तो इनसे फीस पहले पूछ लीजिएगा, मेरी फीस कितनी काटी जाएगी। अगर मनीग्राम की बात करें तो मनीग्राम का आज का रेट 75 रुपये 79 पैसे वेस्टर्न यूनियन से भी हाई है इनका रेट, और इनकी भी 10-17 और 23 रियाल फीस होती है। अगर टैली मनी यानी कि ANB बैंक की हम बात करें तो भाई इनका आज का रेट 75 रुपये 45 पैसे है, 10-17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर तहवील राजी, परदेशियों का फेवरेट बैंक है जी राजी बैंक, तो इसके आज का रेट है जी 75 रुपये 52 पैसे, 10-17 और 23 रियाल इनकी फीस होती है। STCPay की बात करें, और STCPay वैसे सऊदीया में बहुत चल रहा है, जैसा कि पाकिस्तान में जैज़ कैश है, ऐसे STCPay सऊदीया में भी बहुत चला हुआ है। STCPay की बात करें तो इनका आज का रेट 75 रुपये 56 पैसे, 10-17 और 23 रियाल फीस के साथ। एंड अगर फौरी बैंक यानी कि बैंक जजीरा की हम बात करें तो भाई इनका आज का रेट 75 रुपये 44 पैसे, 10-17 और 23 रियाल फीस के साथ। अगर आप इंजाज बैंक से पैसे भेजना चाह रखे हैं तो इंजाज बैंक का भाई आज का रेट 75 रुपये 56 पैसे, 10-17 और 23 रियाल फीस के साथ। एंड अगर क्विक पे की हम बात करें तो क्विक पे का भाई आज का 75 रुपये 44 पैसे है इनका भी रेट, और इनकी भी 10-17 और 23 रियाल फीस है। पाकिस्तान में ओपन मार्केट में बात करें तो 76 यानी कि 76 रुपये 77 रुपये के अराउंड में रेट है जी हमारे शहर में, और अगर किसी आउट सिटी की बात करें तो वहाँ पर हो सकता है 77 या 78 में आपको मिल रहा हो और आपसे बाय वो 74-75 में कर रहे हों।